मी सर, यू आर नॉट ऑडिबल। सर यू आर नॉट ऑडिबल। सर यू आर नॉट ऑडिबल। सर यू आर नॉट ऑडिबल। ऑनलाइन आवाज आ रही है? यस सर, ठीक है, अब यस आ रही है। ठीक है, सर। तो क्वेश्चन नंबर 5 के बाद क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 6 में डाउट सर एक बार फोर्थ क्वेश्चन बता दो। फोर्थ कौन सा? क्वेश्चन, फोर्थ। फोर्थ। ठीक है, फोर्थ क्वेश्चन के अंदर आपको ये गिवन है, ग्रीन लाइट है जिसकी वेवलेंथ आपको गिवन है। ठीक है, तो लैम्डा की वैल्यू आपको गिवन है, डबल स्लिट के ऊपर है, ओवरऑल सेपरेशन ऑफ 10 फ्रिंजेस, 10 फ्रिंजेस की सेपरेशन 2 सेंटीमीटर है। 2 सेंटीमीटर अवे का मतलब कैपिटल डी गिवन है। ठीक है, तो आपको स्लिट सेपरेशन स्मॉल डी निकालना है। तो यहां से सॉल्व करके क्या आ जाएगा, बीटा। बीटा क्या होता है, लैम्डा डी बाय, इससे डी आ जाएगा। ठीक है, यस सर। नेक्स्ट फिफ्थ, नेक्स्ट सिक्स्थ में डाउट, सिक्स्थ, सेवेंथ में डाउट, सेवेंथ क्वेश्चन है, टू स्लिट्स इन YDAC एक्सपेरिमेंट आर सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस ऑफ 0.03 mm, स्मॉल डी, इंटरफेरेंस पैटर्न इज प्रोड्यूस्ड ऑन द स्क्रीन 1.5 मीटर अवे, क्या गिवन है, कैपिटल डी, फोर्थ ब्राइट फ्रिंज इज एट अ डिस्टेंस ऑफ 1 सेंटीमीटर फ्रॉम सेंट्रल मैक्सिमा, तो फोर्थ राइट फ्रिंज की जो दूरी होती है वो क्या होती है, 4 लैम्डा बड़ा डी बाय
छोटा डी, आपको लैम्डा निकालना है, आपको गिवन है, गिवन है और गिवन है आंसर। क्वेश्चन नंबर टू, एक मिनट, क्या ये पॉइंट क्लियर है यहां तक? क्वेश्चन नंबर टू में आपको ये गिवन है, ठीक, इन YDSC एक्सपेरिमेंट वाइल यूजिंग अ सोर्स ऑफ लाइट ऑफ वेवलेंथ लैम्डा गिवन, फ्रिंज विड्थ इज ऑब्टेन्ड एट इतने सेंटीमीटर, फ्रिंज विड्थ का मतलब बीटा की वैल्यू गिवन है, डिस्टेंस बिटवीन स्लिट एंड स्क्रीन इज रिड्यूस टू हाफ, तो डी की जगह हमने क्या कर दिया, डी बाय टू, फ्रिंज विड्थ क्या होगी? देखो जो बीटा होता है वो लैम्डा डी बाय डी है, आपने कोई फैक्टर चेंज नहीं किया, इसको हाफ किया तो ऑब्वियसली ये भी क्या हो गया, हाफ, बीटा बाय टू आंसर। उसने कहा डिस्टेंस बिटवीन स्लिट्स एंड स्क्रीन, ऐसे स्लिट्स एंड स्क्रीन, ये नहीं कि स्लिट्स एंड स्क्रीन, ऐसे नहीं है, स्लिट्स और स्क्रीन कैपिटल डी होता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट सिक्स में डाउट, सेवन में डाउट, एट में डाउट, एट, इन यंग्स एक्सपेरिमेंट टू स्लिट्स आर इतने mm अपार्ट, स्मॉल डी गिवन है, वेवलेंथ में लैम्डा गिवन है, कैपिटल डी गिवन है, फाइंड डिस्टेंस ऑफ सेकेंड ब्राइट फ्रिंज, तो फॉर्मूला 2n लैम्डा डी बाय डी में n की जगह क्या पुट करेंगे, 2 पुट कर लेंगे वैल्यूज, आंसर, ठीक। नेक्स्ट है डार्क फ्रिंज फ्रॉम द मैक्सिमम, तो कौन सी डार्क फ्रिंज, सेकेंड, तो सेकेंड डार्क फ्रिंज के लिए फॉर्मूला 2n माइनस 1 इंटू लैम्डा डी डिवाइडेड बाई 2d, तो यहां पर n की जगह क्या पुट करें, 2, आंसर, ऐसे। नेक्स्ट एट के बाद क्वेश्चन नंबर 9 के बाद क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 11, 12, 13, इन YDSC एक्सपेरिमेंट टू कोहेरेंट सोर्सेज आर इतने mm अपार्ट, स्मॉल डी, फ्रिंजेस आर ऑब्टेन्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ इतने मीटर फ्रॉम देन, कैपिटल डी, सोर्स प्रोड्यूस लाइट ऑफ वेवलेंथ लैम्डा, फाइंड नंबर ऑफ फ्रिंजेस इन इंटरफेरेंस पैटर्न विच इज इतने मीटर वाइड, स्क्रीन की विड्थ गिवन है पूरी की पूरी, स्क्रीन की विड्थ गिवन है, ये पूरी की पूरी कितनी, 4.9 इंटू 10 रेज टू पावर इन माइनस 3 मीटर, आपको इसमें ये बीटा की वैल्यू निकालनी आती है, निकाल लोगे, कितनी फ्रिंजेस प्रोड्यूस होंगी, डार्क एंड ब्राइट फ्रिंज की विड्थ क्या होती है, एग्जैक्टली सेम, तो नंबर ऑफ फ्रिंजेस निकालनी है, तो 4.9 इंटू 10 की पावर माइनस 3 को किससे डिवाइड कर लेना है, बीटा से नंबर ऑफ फ्रिंजेस आ जाएंगे, अप्रॉक्सीमेटली 5 आएगा, एग्जैक्ट 5 नहीं आएगा, फ्रैक्शन में आएगा, अप्रॉक्सीमेटली पुट करना है 5, ठीक है यहां तक, ठीक। नेक्स्ट है 13 के बाद क्वेश्चन नंबर 14, 14 में YDSC में इंटरफ्रेंस फ्रिंजेस आर ऑब्टेन्ड ऑन अ स्क्रीन, पॉइंट स्मॉल डी गिवन है, थर्ड डार्क बैंड इज एट अ डिस्टेंस ऑफ इतने mm, थर्ड डार्क बैंड का मतलब क्या होता है, 2n माइनस 1 इंटू लैमडा डिवाइडेड बाई 2d, तो n की वैल्यू यहां पर क्या पुट करेंगे, 3, और इसकी वैल्यू आपको गिवन है कितनी, 5.5 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 3, फाइंड द वेवलेंथ ऑफ लाइट यूज्ड इफ स्लिट्स आर इतने mm अपार्ट, स्मॉल डी गिवन है, स्मॉल डी गिवन है, वहां से ये क्या है, विच आर ऑब्टेन्ड ऑन द स्क्रीन इतने, नहीं ये कैपिटल डी है, सॉरी स्मॉल डी नहीं है, स्क्रीन की दूरी कैपिटल डी है, ये कैपिटल डी है, ये स्मॉल डी है, डिस्टेंस आपको पता है क्या आएगा, सॉल्व करके लैम्डा, तो यहां से सॉल्व करके लैम्डा आ जाएगा, फिर आपको क्या निकालना है सेकेंड पार्ट में, लैम्डा आपने निकाल लिया फर्स्ट पार्ट में, अगर मैं इसको किसी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में डुबो दूं तो लैम्डा क्या होगा, लैम्डा अपॉन म्यू कर देना आंसर, तो लैम्डा डैश लैम्डा बाय म्यू हो जाएगा, क्लियर है यहां तक, क्वेश्चन नंबर 13 में, इन यंग्स एक्सपेरिमेंट टू कोहेरेंट सोर्सेज आर 1.5 mm अपार्ट, स्मॉल डी, डिस्टेंस कैपिटल डी, वेवलेंथ गिवन है, नंबर ऑफ फ्रिंजेस, हाँ क्या पूछ रहे हो,
हाँ ये पूरी स्क्रीन की विड्थ है, मतलब पूरी की पूरी जो स्क्रीन है वो इतनी वाइड है, इसके ऊपर फ्रिंजेस बननी है, तो नंबर ऑफ फ्रिंजेस निकालनी है, तो टोटल डिस्टेंस को एक फ्रिंज की विड्थ से डिवाइड कर दो, नंबर ऑफ फ्रिंजेस आ जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, डाउट इसके अंदर देखो क्वेश्चन में ये गिवन है, अमंग टू इंटरफेयरिंग सोर्सेज लेट ए बी हाइड इन फेज बाय 54 डिग्री रिलेटिव टू बी। देखो इसके अंदर क्या प्रॉब्लम है, नॉर्मली ये होता है कि जो दो स्लिट्स होती है ना और ये स्क्रीन है, दो स्लिट्स में जो वेव निकलती है वो आइडेंटिकल ही निकलती है, अगर एक ने क्रेस्ट निकाला दूसरा भी क्रेस्ट निकालता है। इस क्वेश्चन में ऐसा नहीं है, इस क्वेश्चन में इनिशियल फेज डिफरेंस गिवन है, यानी कि निकलते ही क्रेस्ट क्रेस्ट नहीं निकला, एक क्रेस्ट निकला होता एक ट्रफ निकला, मतलब इनिशियली ही फेज डिफरेंस इनके बीच में कितना है 54 डिग्री, यानी कि वेव निकलते ही जैसी पैदा होती है फेज डिफरेंस ही क्रिएट कर लेती हैं, फिर उसके बाद वो स्क्रीन पे जाती जाती इस रास्ते की वजह से भी फेज डिफरेंस क्रिएट कर लेती हैं। तो जैसे ये जनरेट हुई इसका पहला फेज डिफरेंस कितना आया 54 डिग्री, 54 डिग्री को पाई बाय 180 से डिवाइड करेंगे तो आपके पास आंसर रेडियंस में आएगा, तो 0.3 पाई रेडियंस आएगा। तो अगर आपकी वेव निकलती ही है, निकलते ही उसने फेज डिफरेंस कितना क्रिएट कर लिया 0.3 पाई रेडियंस, फिर उसने रास्ता ट्रेवल किया, रास्ता ट्रेवल करने की वजह से फेज डिफरेंस कितना आया 5.15 लैम्डा, पार्ट डिफरेंस है, लैम्डा को 2 पाई पुट कर दो तो क्या आएगा 3 पाई आ जाएगा, तो 3 पाई रास्ते की वजह से फेज डिफरेंस है। तो कुल मिला के टोटल फेज डिफरेंस की वैल्यू जो इसमें आएगी वो इन्हें ऐड करना पड़ेगा, ऐड करके आंसर आएगा। तो दो दो फेज डिफरेंसेस हैं, एक निकलते ही और एक रास्ते के कवर करते ही, तो दोनों को ऐड करके आंसर आ जाएगा। ठीक है यहां तक? ठीक है यहां तक? नेक्स्ट है 16 के बाद क्वेश्चन नंबर 17। इन यंग्स एक्सपेरिमेंट व्हाट विल बी द फेज डिफरेंस एंड पार्ट डिफरेंस बिटवीन द लाइट वेव रीचिंग थर्ड ब्राइट फ्रिंज। तो फेज डिफरेंस और पार्ट डिफरेंस निकालना है, थर्ड ब्राइट फ्रिंज एंड थर्ड डार्क फ्रिंज फ्रॉम सेंट्रल फ्रिंज, लैम्डा आपको पता है। थर्ड डार्क फ्रिंज का पाथ डिफरेंस कैसे निकलेगा, क्या होगा एन लैम्डा 3 लैम्डा, क्योंकि थर्ड ब्राइट फ्रिंज का मतलब है कंडीशन क्या है, एन लैम्डा पाथ डिफरेंस की और एन की वैल्यू यहां पर 3 लैम्डा, लैम्डा पता है आंसर, एक आंसर। थर्ड डार्क फ्रिंज में 2n-1 × λ/2, एन की जगह 3 पुट कर लो आंसर, बस यही पाथ डिफरेंस। ठीक है यहां तक? नेक्स्ट है 17 के बाद क्वेश्चन नंबर 18th। 18th के बाद सर 18 में डाउट है, कौन सा 18 में डाउट है, 18th में इन YDSC एक्सपेरिमेंट 10th ब्राइट फ्रिंज फॉर वेवलेंथ गिवन, व्हाट ऑर्डर मैक्सिमम विल बी विजिबल इफ सोर्स ऑफ लाइट इज रिप्लेस्ड बाय लाइट ऑफ वेवलेंथ गिवन। तो पहले केस में क्या हो रहा है, केस नंबर 1 में वी ऑब्जर्व 10th ब्राइट फ्रिंज फॉर वेवलेंथ गिवन, तो 10th ब्राइट फ्रिंज का मतलब है एक्स डिस्टेंस पे 10 लैम्डा डी बाई डी प्रोड्यूस हो रहा है, तो दूरी क्या है उस पॉइंट की, इतनी दूरी है। कह रहे व्हाट ऑर्डर मैक्सिमम विल बी विजिबल अगर लाइट को रिप्लेस कर दिया जाए उसी पॉइंट पर, डिस्टेंस चेंज ही किया हमने, तो एन बताना है, जब लाइट को चेंज कर दिया लैम्डा डैश ना डी चेंज किया ना स्मॉल डी चेंज किया, तो यहां से इन्हें इक्वेट कर लेना आंसर आएगा, क्योंकि एक्स की वैल्यू मैंने चेंज ही नहीं की, किसी का आया आंसर इसमें ऐसे किया, एक्स को आपने चेंज नहीं किया तो आपने एन को चेंज किया और लैम्डा को चेंज किया, तो n1 λ1 n2 λ2 भी लगा लेते हैं। ठीक है यहां तक? नेक्स्ट 18 के बाद क्वेश्चन नंबर 19।
देखो क्वेश्चन नंबर 21, क्वेश्चन नंबर 21 में इन यंग्स एक्सपेरिमेंट टू स्लिट्स आर सेपरेटेड बाय 3 mm डिस्टेंस, तो क्या गिवन है? स्मॉल डी गिवन है, स्मॉल डी गिवन है. इल्यूमिनेटेड बाय लाइट ऑफ वेवलेंथ लैम्डा गिवन है. स्क्रीन इज 2 meter फ्रॉम द प्लेन ऑफ द स्क्रीन, कैपिटल डी गिवन है. कैलकुलेट सेपरेशन बिटवीन 8th ब्राइट फ्रिंज एंड 3rd डार्क फ्रिंज. तो 8th ब्राइट फ्रिंज का मतलब एन लैम्डा डी बाई डी और डार्क फ्रिंज का मतलब 2n-1 into λ d/2d. 8th ब्राइट का मतलब यहां 8 आएगा और 3rd डार्क का मतलब यहां पर 3 आएगा, दोनों को माइनस करके आंसर आएगा. ठीक है यहां तक? ठीक है, दोनों के भी डिस्टेंस निकालने आंसर. सारे डिस्टेंस सेंटर से लेने, ये डिस्टेंस सेंटर से होता है, ये डिस्टेंस भी सेंटर से होता है. ठीक है, तो रेफरेंस पॉइंट सेंटर है, वो तो ना भी देता तो भी पता है कि रेफरेंस पॉइंट सेंटर ही होगा इसमें. नेक्स्ट 21 के बाद, 21 के बाद 21 लास्ट है. एक और क्वेश्चन था इसमें, ठीक है.